हम यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, जिसमें इन बच्चों के पास देखिए नंबर्स हैं और इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और ये जो बच्चे खड़े हुए हैं ये इसमें से एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे सारे बच्चे। तो हम शुरू करते हैं, शुरू करो। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। यस, आप हुजूर, आप हुजूर, और आप जाइए, आप सबसे बड़े हैं तो आप पहले निकल गए। ओके, अब जो बचे हुए हैं, सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। वेरी नाइस, आप हुजूर, आप हुजूर। यस, सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा आप बोलो कौन? सबसे बड़ा आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। वेरी गुड। तो देखो बच्चों, आप लोग खड़े हो चुके हो। सबसे पहले हमने जो भी नंबर्स थे उसमें जो सबसे बड़ा था उसको हमने पहले निकाला, ठीक है, और उसको हमने सबसे पहले रख दिया। फिर जो बचे हुए नंबर्स थे हमने उनमें देखा कि सबसे बड़ा कौन है, फिर हमने उसको भी निकाला, उसको उसके बाद में रख दिया। फिर तीसरा जो सबसे, फिर बचे हुए नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर्स था उसको निकाला, फिर उसको तीसरे नंबर पे रख दिया। फिर जो बचे हुए नंबर्स थे उनमें सबसे बड़ा हमने फिर से देखा। तो ऐसे कर करके हमने पूरा जो नंबर्स थे हमने उनको देखो नंबर से लगा दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सबसे बड़ा नंबर है 34,392 वो सबसे पहले है, फिर उससे कम हो गया है। कितना कम? ये देखो 13,521 है। ओके, फिर देखिए है 9,800 उससे छोटा है। जी मैम। ठीक है, फिर उसके बाद में 893 उससे छोटा है, फिर 6,359, ठीक है, फिर 6,345। तो आप इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे हम जीना उतरते हैं ना, कि सबसे पहले बड़ा होता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इनको देखिए हमने लंबाई में भी इसी क्रम में खड़ा कर रखा है। आंसी की लंबाई देखो सबसे ज़्यादा है, इंदिरा की थोड़ी उससे कम है, फिर तेज प्रताप की उससे कम है, फिर है सुरभि, उसके उसकी थोड़ी सी कम है, फिर सुरभि की थोड़ी सी कम है, और फिर लक्ष्मी की सबसे कम है। तो बच्चों ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हम इधर से शुरू करेंगे, आंसी से शुरू करेंगे, ठीक है, तो आंसी से शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगर मैं अब यहाँ ये लक्ष्मी से शुरू कर दूँ, तो लक्ष्मी से हम शुरू करते हैं तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर। तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग को ऐसे भी याद रख सकते हो, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है। तो हम लोग देखो कैसे याद रख सकते हैं कि ए अल्फाबेट में ए पहले आता है ना। जी मैम। और ए एक नंबर पे होता है, बी दूसरे नंबर पे होता है, सी तीसरे नंबर पे होता है, और डी चौथे नंबर पे होता है, ठीक है ना। तो यानी कि ए सेंडिंग ऑर्डर में ए पहले आ रहा है, यानी कि छोटे से स्टार्ट होगा और बड़े तक जाएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में डी से शुरू हो रहा है, तो डी यानी कि बड़ा पहले आ रहा है और फिर बड़े से शुरू होगा, तो बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। आप ऐसे करके याद रख सकते हो। तो आपको ये समझ में आया? जी मैम। थैंक यू।